200 प्लस वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड है। यदि आप डीपली स्टडी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपको एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना चाहिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अर्जियागम क्लासेज में। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज 29 सॉल्व करूँगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के ट्रांसलेशन और ग्रामर से रिलेटेड वीडियोज रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, इसलिए आपको पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो देखना है, ओके। कहता है इनके प्लूरल फॉर्म्स लिखें। देखो, अधिकांश नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए उस नाउन के अंत में केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि है काव, तो काव में केवल एस जोड़ेंगे इसके अंत में और इसका प्लूरल हो जाएगा काउच। जैसे कि है डॉग, तो डॉग में केवल एस जोड़कर इसका प्लूरल बना देंगे डॉग्स। बट कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनके प्लूरल बनाने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है। जैसे कि है वॉच, फिश, एस, बस, बॉक्स। मैं इसके लिए आपको रूल बताता हूँ। देखो, यदि किसी नाउन के अंत में एस एच, सी एच, डबल एस या फिर एस या फिर एक्स हो, ठीक है, तब उसका प्लूरल बनाने के लिए आपको उस नाउन के अंत में ई एस जोड़ना पड़ता है, ठीक है। यदि किसी नाउन के अंत में एस एच, सी एच, डबल एस, एस या फिर एक्स हो, तब उस नाउन का प्लूरल बनाने के लिए आपको उस नाउन के अंत में ई एस जोड़कर प्लूरल बनाना होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है वॉच और इसके अंत में क्या है, सी एच है, तो इसमें ई एस जोड़कर इसका प्लूरल बनाएंगे, क्या हो जाएगा, वॉच, ठीक है। अब जैसे कि है फिश, तो इसके अंत में क्या है, एस एच है, तो इसमें भी ई एस जुड़ेगा, ठीक है, फिश एच। एस है तो देखो इसके अंत में डबल एस है ना, और इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो इसमें ई एस जोड़ देंगे, ठीक है, एस एच हो जाएगा। जैसे कि है बस, इसके अंत में एस है, ठीक है, यहाँ पर डबल एस था, तो इसका भी जब प्लूरल बनाएंगे तो बस में ई एस जुड़ जाएगा, ठीक है, बस एच। अब देखो बॉक्स है, तो बॉक्स के अंत में क्या है, एक्स है, तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा बॉक्स एच, इसमें ई एस जुड़ेगा, ठीक है। देखो ई एस, ई एस, ई एस, ई एस, ई एस, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर है टॉय, तो देखो यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो, ठीक है, और वाई के पहले कोई वोवेल लेटर हो, तब जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं तो केवल एस जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि है टॉय, अब देखो वाई के पहले कौन सा लेटर है, वो वोवेल लेटर है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए केवल एस जोड़ेंगे और इसका प्लूरल हो जाएगा। सेम है डे, डे में देखो नाउन के अंत में वाई है और वाई से पहले वोवेल लेटर है ये, ठीक है, तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो केवल एस जोड़ेंगे, डेज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है फ्लाय, अब क्या होता है कि यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो, ठीक है, और वाई से पहले कोई कंसोनेंट लेटर हो, तब उसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, वाई को हटा देते हैं, ठीक है, और वाई के स्थान पर आई ई एस जोड़ देते हैं। यहाँ पर फ्लाय है तो एफ एल रहेगा, ठीक है, और वाई हट जाएगा और इसमें आई ई एस जुड़ जाएगा, फ्लाइज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है बेबी, तो वाई के पहले कौन सा लेटर है, बी कंसोनेंट लेटर है, तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, बी ए बी पहले लिख देंगे, ठीक है, और वाई हटा देंगे और इसके स्थान पर आई ई एस जोड़ देंगे, बेबीज, ठीक है। अब देखो स्टोरी, Y के पहले कौन सा लेटर है, R कंसोनेंट लेटर है, तो Y को हटा देंगे और I E S को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, स्टोरेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हीरो, इसके लिए भी रूल बताता हूँ। यदि किसी नाउन के अंत में O, ठीक है, और O के पहले कोई कंसोनेंट लेटर हो, ठीक है, यदि किसी नाउन के अंत में ओ और ओ के पहले कोई कंसोनेंट लेटर हो, तब उसका प्लूरल बनाने के लिए आपको ई एस जोड़ना पड़ता है। यहाँ पर हीरो है, ठीक है, अब देखो नाउन के अंत में ओ है और इससे पहले आर कौन सा लेटर है, कंसोनेंट लेटर है, तो इसमें क्या करेंगे, ई एस जोड़कर इसका प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। बट यदि किसी नाउन के अंत में ओ और ओ के पहले का लेटर कोई वोवेल लेटर हो, तब उसे जब प्लूरल में बदलेंगे तो केवल एस जोड़ेंगे। जैसे कि है रेडियो, देखो
इस नाउन के अंत में ओ है और ओ से पहले का लेटर कौन सा लेटर है, आई, वोवेल लेटर है, तो इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो केवल इसमें एस जोड़ेंगे, इसमें ई एस जुड़ा और इसमें केवल एस जुड़ा, ठीक है। अब देखो काफ, देखो यहाँ पर काफ है, थीफ है, लीफ है, इसके लिए मैं आपको रूल बता देता हूँ, ठीक है। यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ हो या फिर एफ ई हो, तब आपको क्या करना है, एफ या फिर एफ ही के बदले भी आ जाएगा, ठीक है, और उसमें ई एस जुड़ जाएगा और प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है काफ, तो क्या करेंगे, सी ए एल को लिख लेंगे, सी ए एल, ठीक है, और एफ के स्थान पर क्या आ जाएगा, भी आ जाएगा और इसमें ई एस जुड़ जाएगा, ठीक है, काफ्स हो जाएगा। अब जैसे कि है थीप, तो क्या करेंगे, टी एच आई को लिख लेंगे, टी एच आई ई, इसे लिख लिया। अब एफ के स्थान पर भी आ जाएगा, ठीक है, और इसमें ई एस जुड़ जाएगा, थीप का क्या हो गया, थीप्स हो गया। अब जैसे कि है लीफ, तो एल ई ए लिख लेंगे, ठीक है, और एफ के स्थान पर भी आ जाएगा और इसमें ई एस जुड़ जाएगा, लीव्स हो गया, ठीक है। अब जैसे कि देखो मेन है, चाइल्ड है, ऑक्स है, ओमेन है, इंग्लिश में कुछ सिंगुलर नाउंस ऐसे भी होते हैं जिनका प्लूरल थोड़ा डिफरेंट तरीका से बनता है, ठीक है। जैसे कि मेन में क्या है, एम ए एन है, इसका जब प्लूरल होगा तो एम ई एन हो जाएगा, अर्थात ए के स्थान पर ई आ जाता है, ठीक है। जैसे कि है चाइल्ड, तो चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो जाता है, ऑक्स है तो ऑक्स का ऑक्सियन हो जाता है। जैसे कि ओमेन है, डब्ल्यू ओ एम ए एन, इसका जब प्लूरल बनेगा तो हो जाएगा डब्ल्यू ओ एम ई एन, ठीक है, अर्थात ए बदल जाएगा ई में, ओमेन ओमेन, ठीक है। अब जैसे कि देखो यहां पर टूथ है, ठीक है, तो टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि देखो सीप है, डियर है, इंग्लिश में कुछ सिंगुलर नाउंस ऐसे भी होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स सेम ही होते हैं, ठीक है, सीप का सीप ही रहता है, या फिर डियर है तो डियर का डियर ही रहता है, ठीक है, या फिर सीरीज रहता है तो सीरीज का भी प्लूरल सीरीज ही रहता है, ठीक है, नो चेंज। अब यहाँ पर क्या है, बॉयफ्रेंड, देखो कंपाउंड नाउंस कुछ ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि उस कंपाउंड नाउन में जो मेन वर्ड होता है उसका केवल प्लूरल बनाकर पूरे नाउन का प्लूरल बन जाता है। जैसे कि बॉयफ्रेंड में देखो, इसमें मेन क्या है, मेन वर्ड फ्रेंड है, ठीक है, तो बॉय ऐसे ही रहेगा और फ्रेंड का क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स हो जाएगा, बॉयफ्रेंड का क्या हो गया, बॉयफ्रेंड्स हो गया, ठीक है, केवल फ्रेंड का प्लूरल हो गया, बॉय ऐसे ही रह गया, बॉयफ्रेंड का क्या हो गया, बॉयफ्रेंड्स हो गया। अब देखो जैसे कि है ब्रदर इन लॉ है, तो ब्रदर इन लॉ में मेन वर्ड क्या है, ब्रदर है, तो केवल ब्रदर का प्लूरल हो जाएगा और इन लॉ को ऐसे लिख देंगे, ब्रदर का प्लूरल क्या हो जाएगा, ब्रदर्स, ठीक है, उसके बाद इन लॉ लिख देना है, ब्रदर इन लॉ का क्या हो गया, ब्रदर्स इन लॉ, केवल ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स हो गया, इन लॉ ऐसे ही रह गया। अब जैसे कि है मेन सर्वेंट, देखो कुछ कंपाउंड नाउंस ऐसे भी होते हैं जिनके दोनों पार्ट का प्लूरल बनाना पड़ता है, जैसे कि मेन सर्वेंट में देखो फर्स्ट पार्ट मेन है और दूसरा पार्ट क्या है, सर्वेंट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है और ये दूसरा पार्ट, तो एम ए एन का प्लूरल क्या होगा, एम ई एन, ठीक है, और सर्वेंट का प्लूरल क्या होगा, सर्वेंट्स, देखो एम ए एन एम ई एन में बदल गया और सर्वेंट सर्वेंट्स में बदल गया और दोनों मिलाकर क्या बन गया, मेन सर्वेंट्स, ठीक है। अब है ओमेन स्टूडेंट, तो ये भी कंपाउंड नाउन है, तो इसमें क्या होगा, किसका दोनों पार्ट का प्लूरल बनेगा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का भी और सेकेंड पार्ट का भी, तो डब्ल्यू ओ एम ए एन है, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ओ एम ई एन, ओमेन हो गया, ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि है गुज, तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि इंग्लिश में कुछ नाउंस ऐसे भी होते हैं जिनके प्लूरल थोड़ा डिफरेंट
डिफरेंट तरीका से बनता है, गूज का गीज हो जाता है, जी डबल ई एस सी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को मैं समझा पाया। ठीक है।